हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक गुड लिंक्डइन प्रोफाइल और लिंक्डइन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रैच से एक लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हमने लाइक एम रखा है 100, तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम चल जाएंगे गूगल पर, क्योंकि हम स्क्रैच से बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है लिंक्डइन, देन आप सर्च करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा लिंक्डइन इंडिया। देन आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ईमेल का, तो आपको यहाँ पर आपका ईमेल लिख देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर ईमेल लिख भी सकते हैं या फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मैं ईमेल लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कोडर ईमेल @gmail.com। देन आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड लिखना है। देन आपको यहाँ पर एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होने वाला है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट नेम सुफियान और लास्ट नेम SK लिख दिया शेख। देन आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। देन आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो लिंक्डइन है बेसिकली आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। देन आपके पास आपको क्रॉस कर देना है, देन वेलकम सुफियान, व्हाट्स योर लोकेशन। तो बेसिकली आपको आपकी कंट्री यहाँ पर लिखी आ जाएगी। आपको यहाँ पर आपकी लोकेशन लिखना है, तो बेसिकली आपकी लोकेशन लिख सकते हैं आप जिस भी शहर से। तो मैं जैसा लिख देता हूँ यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश। देन आपको इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। देन आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा योर प्रोफाइल हेल्प यू डिस्कवर न्यू पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आपको बेसिकली आपका जॉब टाइटल क्या होने वाला है, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप फुल स्टैक डेवलपर लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फुल स्टैक, देखिए फुल स्टैक इंजीनियर। एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, कि फुल टाइम आप जॉब कर रहे हो, कि पार्ट टाइम है, कि आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुल टाइम। देन मोस्ट रिसेंट कंपनी, अगर यार आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है आई एम स्टूडेंट, इस पर तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम लिखना होगा। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आर राजीव गांधी, तो बेसिकली मैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नेम लिख दिया मैंने। और आपका स्टार्टिंग ईयर क्या है, तो आप जैसे लिख सकते हो मेरा स्टार्टिंग ईयर यार कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे मेरा स्टार्टिंग ईयर 2020 है और एक्सपेक्टेड एंड ईयर, एक्सपेक्टेड लिख देते हैं क्योंकि बेसिकली ये 24 फोर ईयर का होता है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिख देंगे हमारा 2024 इस तरीके से। देन आप 18 के ऊपर हो, आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। देन आपके मोबाइल पर या फिर ईमेल पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको उस कोड को वहाँ पर इंटर कर देना है जो आपको दिख रहा है, वो आपके ईमेल पर बेसिकली ये कोड को सेंड करेंगे। देन आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, जैसे मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ 6133355 इस तरीके से। देन आपको एग्री एंड कंफर्म पर क्लिक करना है। देन आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, यस आई एम नी आई एक्टिवली लुकिंग, नॉट रियली। तो आपको अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, या अगर आप नहीं इंटरेस्ट हो तो आपको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर, मतलब आप किस टाइप की जॉब को देख रहे हो, तो आप लिख सकते हो जैसे मैं दिख रहा हूँ फुल स्टैक के लिए, फुल
फुल स्टैक इंजीनियर के लिए देख रहे हो, जॉब लोकेशन आपको क्या चाहिए, तो बेसिकली आप ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे यहाँ पर जॉब लोकेशन लिखते हो तो आपको लिंक्डइन उसके हिसाब से, इसके हिसाब से आपको जॉब बेसिकली प्रोवाइड करेगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पुणे, पुणे महाराष्ट्र, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको अगर देखिए गेट नोटिफाइड व्हेन न्यू जॉब आर पोस्टेड, अगर आपको कोई भी जॉब्स लिंक्डइन पर पोस्ट करता है तो आपको नोटिफाई कर देगा, है ना। नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, देन आपको फिर से नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, देन फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर भी नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो फॉलो कंपनीज पीपल एंड हैशटैग टू स्टे अपडेट, तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ पीपल्स को, कंपनी को फॉलो करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप लोगों को फॉलो कर सकते हो, जैसे यहाँ पर फ्रेशर जॉब से आप कंपनीज को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, और ये हमारा नेक्स्ट बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें। ग्रेट, वी आर फाइंडिंग जॉब्स फॉर यू। देखिए तो आप देख सकते हो कि हम लिंक्डइन के पेज पर आ चुके हैं, और आप देख सकते हो ये हमारी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है। मैं हमारी व्यू प्रोफाइल पर जाऊंगा, तो आप देख सकते हो हमने एक लिंक्डइन का जो अकाउंट होता है वो क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमने कंप्लीट लिंक्डइन प्रोफाइल अभी बनाई नहीं है। लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि हमें जॉब दिलाने में बहुत ही हेल्प करती है, और लिंक्डइन प्रोफाइल में वो पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा उसकी चांसेस बढ़ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ आता है, आप देख सकते हो कि जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल है यहाँ पर, अभी पिक्चर चाहिए, बैनर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारी प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर। तो मैं आपको एक बेसिकली एक दूसरी प्रोफाइल पर लेके चलता हूँ जहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सके कि हमें हमारी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल है जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर अक्षय सैनी की प्रोफाइल पर मैं जा रहा हूँ बेसिकली, जो कि यार बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो सबसे फर्स्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लिंक्डइन पर, वो आता है प्रोफाइल पिक्चर। तो जो प्रोफाइल पिक्चर है आपकी प्रोफेशनल होना चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन या सिंपल रहे तो ठीक है। आपको प्रोफाइल पिक्चर में स्टाइलिश गॉगल इस तरीके से कुछ नहीं पहनना है, आपको सिंपल, आप एक कैमरे के सामने देख रहे हो उस तरीके से आपको एक इमेज चाहिए प्रोफेशनल, क्योंकि यार लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो अगर कोई रिक्रूटर्स एचआर आपकी प्रोफाइल को देखता है तो वो आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस होना चाहिए। तो आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, जो कि यार प्रोफेशनल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, आपको इसमें कोई स्टाइलिश गॉगल लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास बैनर, ये जो आप देख रहे हो बैनर, तो यार बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं लिंक्डइन प्रोफाइल पर कि जो बैनर लगाते ही नहीं है, और बैनर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस बैनर पर आपको क्या लिखना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक स्टूडेंट है, मीन्स एक CS के स्टूडेंट हो, तो अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आपके रिलेटेड आप यहाँ पर बैनर पर वो चीज़ें लिख सकते हो कि कोडिंग के रिलेटेड, इस तरीके से आपको बैनर बनाना है। तो आप देख सकते हो जो अक्षय सैनी है, जैसे वो कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी अचीवमेंट को यहाँ पर लिख रखा है, जैसे टॉप लिंक्डइन टॉप वॉइसेस है वो। तो आपको यहाँ पर आपकी अचीवमेंट, आपकी क्वालिटीज़ को यहाँ पर बैनर पर दिखाना है बेसिकली। देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपकी बेसिकली ये आपकी हेडिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Amazon। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फुल स्टैक डेवलपर है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो फुल स्टैक डेवलपर, और आपकी स्किल्स लिख सकते हो जैसे JavaScript, React.js, MongoDB इस तरीके से। अगर यार कोई बोलता है यार मैं तो ना ही कोई कंपनी में काम करता हूँ और ना ही मैं कोई फुल स्टैक इंजीनियर हूँ, तो बेसिकली यार जो भी है, बेसिकली आपके पास जो भी स्किल्स है, जैसे आपको जैसे HTML आती है, JavaScript आती है, तो आपको वो यहाँ पर लिख देना है। या फिर
अगर आप कोई कोर्स सीख रहे हो, अगर आप कोई कोर्स लर्न कर रहे हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एस्पायरिंग फुल स्टैक डेवलपर, एस्पायरिंग फ्रंट एंड डेवलपर। क्योंकि यार ये जो हेडिंग पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब HR सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फुल स्टैक डेवलपर के लिए जब वो सर्च करते हैं, तो ये जो कीवर्ड होता है यहाँ पर, आपने अगर यहाँ पर लिखा है फुल स्टैक डेवलपर, तो ये कीवर्ड रैंक करता है और आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक करती है, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको या तो आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप लिख सकते हो, या फिर आप अगर लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एस्पायरिंग फुल स्टैक डेवलपर। अगर यार आपके पास कुछ भी स्किल्स है, जैसे JavaScript, वो लिख सकते हो। और यार कोई बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपली CS स्टूडेंट इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन आपको आपके स्किल्स पर काम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन हमने थर्ड पॉइंट देख लिया। देन इसके बाद आता है हमारे पास फीचर्ड सेक्शन। अब यार ये फीचर्ड सेक्शन क्या होता है? तो बेसिकली फीचर्ड सेक्शन में आप जो भी पोस्ट डालते हो उसको आप फीचर कर सकते हो, और अगर आपको कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर फीचर कराना है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को भी ऐड कर सकते हो। तो फीचर सेक्शन बेसिकली आपकी प्रोफाइल पर दिखता है। देन इसके नीचे आता है हमारे पास एक्टिविटी वाला सेक्शन। अब ये एक्टिविटी सेक्शन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोई पोस्ट लिंक्डइन पर आपने कोई पोस्ट डाली, या फिर आपने किसी की पोस्ट पर लाइक किया, कमेंट किया, तो वो सभी चीज़ें एक्टिविटी के अंदर आती है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं पोस्ट क्या डालूं, तो ज़रूरी नहीं कि आप पोस्ट डालें अगर आप किसी की पोस्ट पर लाइक करते हो, कमेंट करते हो। क्योंकि यार लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग चीज़ों को सिखा रहे होते हैं, तो अगर आप उनकी पोस्ट को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो आपकी एक्टिविटी सेक्शन में वो दिखेगा। देन इसके नीचे हमारे पास आता है अबाउट सेक्शन। अब यार जो अबाउट सेक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अबाउट सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इस अबाउट सेक्शन में आपको आपके बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, आप क्या हो। आपको यहाँ पर थोड़े आपके पास वर्ड्स ज़्यादा है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आप क्या हो। और आपको ये अबाउट सेक्शन ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। अबाउट सेक्शन में आपको आपके बारे में बताना है बेसिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर और एक स्टूडेंट हो, तो आपको लिखना है आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर, आई हैव स्किल्स। आपको स्किल्स बताना है एंड आपको लिखना है आई एम ईगर टू लर्न न्यू थिंग, मैं नई चीज़ों को सीखने का इच्छुक हूँ। इस तरीके से आपको आपके बारे में एक कम्प्लीट नॉलेज देना है कम वर्ड्स में, जिससे अगर रिक्रूटर्स HR पढ़े तो वो इम्प्रेस हो इस तरीके से। देन इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। तो यार एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में अगर आप कोई कंपनी पे आपने काम कर रहे हो, किया है, तो आप एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो वो ऐड कर सकते हो। अगर यार किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या करे, तो यार आप आपके प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप प्रोजेक्ट्स को ऐड कर रहे हो तो आप ये लिखें कि मैं ये प्रोजेक्ट्स में मैंने क्या नया सीखा और इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या डिफ़िकल्टी आई। थोड़ा आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा इम्प्रेस करता है रिक्रूटर्स को। देन इसके नीचे हमारे पास सेक्शन आता है एजुकेशन वाला सेक्शन। तो यार सिंपल, आपको एजुकेशन वाले सेक्शन में आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नेम लिख देना है, और आप 12th 10th बेसिकली स्कूल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। देन इसके नीचे हमारे पास आता है लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। अब ये क्या होता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक बैकएंड का कोर्स किया है, तो बैकएंड का आपने कोर्स किया तो जो उसका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई दूसरी चीज़ में सर्टिफिकेट किया है कुछ, तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने हेडिंग में सबसे टॉप पर आपने लिखा है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, है ना, और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर का यहाँ पर सर्टिफिकेट ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगी आपकी प्रोफाइल अच्छी बनने में और बहुत ही बेटर हो जाएगी। देन इसके नीचे आपको मिल जाता है स्किल्स सेक्शन। अब स्किल्स में आपको क्या लिखना है बेसिकली? अब स्किल्स में वो चीज़ें लिखना है जो आपको आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे HTML, CSS, JavaScript, React.js, MongoDB, जो भी चीज़ें आपको आती है वो आपको यहाँ पर स्किल सेक्शन में लिख देना है। और देन इसके बाद आता है हमारे पास रिकमेंडेशन वाला पार्ट। तो यार ये रिकमेंडेशन वाला पार्ट क्या होता है? तो बेसिकली यार जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपके कलीग्स को आप बोलते हो कि मुझे यार एक रिकमेंडेशन भेज दो। तो बेसिकली रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके कलीग्स हैं वो आपके बारे में लिख रहे होते हैं।
मीन्स वो आपकी क्वालिटी को बता रहे होते कि हाँ ये अक्षय ने हमारे यहाँ काम किया है, बहुत ही हम अच्छे तरीके से काम किए, इस तरीके से क्वालिटी बता रहे होते। तो अगर आपके लिए कोई ये रिकमेंडेशन लिखता है तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा है, अक्षय इज़ ए एनर्जी पावर हाउस, एवरी मैनेजर वुड लव टू हैव इन हिज टीम, ही इज़ अ रॉक स्टार इंजीनियर। तो इस तरीके से उन्होंने क्वालिटीज़ बनाई बताई है अक्षय सैनी की। तो आप देख सकते हो, और आप लैंग्वेज के बारे में लिख सकते हो कि आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, आपको इंग्लिश, हिंदी, जो भी और लैंग्वेज आती है आप ऐड कर सकते हो। तो ये थी यार एक लिंक्डइन प्रोफाइल जिसमें मैंने आपको हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की और सभी के बारे में डिटेल बताया कि आप इन पॉइंट्स को यार ज़रूर फॉलो करें, आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा चांस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और लिंक्डइन के अंदर यार कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रोफाइल पिक्चर जो कि आपकी प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका फेस क्लियर दिख रहा होना चाहिए, देन आपकी हेडिंग, ये जो मैंने बताई हेडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर एक अच्छी हेडिंग, आप जो भी है, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर है आप वो लिख सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी स्किल नहीं है तो आप बेसिकली आपकी स्किल्स पर काम करें और जल्दी से सीखें और यहाँ पर ऐड करें। देन अबाउट सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो आई होप यार मैंने सभी चीज़ें कवर की है। अगर आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में जो सीखना चाहते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाएं और स्क्रैच से कैसे बनाएं, तो प्लीज़ शेयर करें। तो प्लीज़ यार अगर यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर देना यार, हमारा एम है 100 लाइक का एम है इस वीडियो पर। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।